कहिए, किससे मिलना है आपको? रईस लखनवी साहब का घर यही। पढ़ाई लिखी तख्ती नहीं देखी आपने? जी पढ़ी है मगर एहतियातन पूछ रहा। इतनी एहतियात अच्छी नहीं होती। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको ऐसी क्या परेशानी है कि आप इस वक्त यहाँ तशरीफ ले आए? मैं लखनवी साहब से मिलना चाहता हूँ। वो तो घर पे नहीं है, वो तो मुशायरे पे गए, रात को देर से लौटेंगे। आप ऐसा कीजिए कि कल सुबह किसी वक्त आएगा और उनसे मिल लीजिए। खुदा हाफिज़। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको एक तसल्ली बख्श जवाब दिया, अब आप क्या चाहते हैं? देखिए दरअसल बात यह है कि मैं इस शहर में किसी को जानता नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ लखनवी साहब से मिलने की गर्ज से यहाँ आया हूँ। तो फिर मैं आपको सिर्फ एक मशवरा दे सकती हूँ। इस गली के नुक्कड़ पे एक ढाबा है, वहाँ आपको 10 रुपए में एक चारपाई मिल जाएगी। आप एक काम कीजिए कि रात को वहीं कायम कीजिए और कल सुबह टाइम से आएगा। अरे भाई क्या हो गया, कहिए आप क्या है? देखिए दरअसल बात यह है कि मैंने आज से पहले बाहर कभी इस तरह रात नहीं गुजारी, कोई और सूरत निकल सकती है? देखिए जिंदगी में हर काम कभी ना कभी तो इंसान पहली दफा करता है, तो आज आप इस काम की इब्तिदा कर दीजिए ताकि आपको दोबारा ये बात दोहरानी ना पड़े। और मेरी मानिए तो जल्दी चले जाइए, वरना आपको ढाबे से भी चारपाई नहीं मिलेगी। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर मुझे रात यहाँ गुजारने की इजाजत मिल जाए तो। क्या आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कह रहे हैं? शक्ल से तो आप अच्छे खासे समझ, खैर आप तो शक्ल से भी समझदार नहीं लगते। ये कोई सिराय नहीं है, और आप ढाबे पे जाने से इसलिए घबरा रहे हैं कि वहां आपने कभी रात नहीं गुजारी, तो इस घर में भी तो आपने कभी रात नहीं गुजारी। अजीब आदमी नेहरू कौन है, किससे बातें कर रही हो तुम? अम्मी जी अब्बू से मिलने के लिए कोई आया है, कह रहे हैं कि उनके पास रहने की जगह नहीं है। अरे भाई रात गुजारने की जगह नहीं है तो हम क्या करें? अरे तो उनको अंदर बुलाओ, बाहर क्यों खड़ा कर रखा है उन्हें? अरे नहीं नहीं अम्मी, अंदर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, हर किसी को अंदर बुला लेंगे। इनसे निपटना मुझे अच्छी तरह आता है, मैं अभी आई। आदाब। जीते रहो बेटा, आओ अंदर आओ। आंटी दरअसल बात यह है कि मैं इस शहर में किसी को जानता नहीं, सिर्फ और सिर्फ लखनवी साहब से मिलने की गर्ज से यहाँ आया, बाहर ठहर नहीं सकता क्योंकि किसी से वाकफियत नहीं है, और शहर के हालात तो आप जानती हैं। कोई बात नहीं बेटा, अगर आप लखनवी साहब से मिलने आए फिर आपको कहीं और ठहरने की जरूरत नहीं है। आइए आप मेरे साथ आइए। अम्मी, अम्मी भी अजीब है ना, जान ना पहचान बना लिया मैंने। माफी चाहता हूँ, रात को काफी देर से आया, आपको यहाँ लेटा हुआ पाया तो उठाना मुनासिब नहीं समझा। मैंने सोचा कि सुबह उठ के तारुफ होता रहेगा, नींद खराब करने की क्या जरूरत है। मुझे यकीन नहीं आ रहा आप मेरे सामने बनफसे नफीस मौजूद हैं। इसमें यकीन ना आने वाली कौन सी बात है। मेरा ख्याल है आप मुंह हाथ धो लीजिए, नाश्ता तैयार। सर मैं आपकी खिदमत में एक छोटी सी दरख्वास्त लेकर हाजिर हुआ था। आप पहले मुंह हाथ धो लीजिए फिर आप सुनाइएगा, हम सुनेंगे। आइए मैं आपको गुसलखाना दिखा दूं, आइए। हाँ मियाँ, अब बताओ किस मकसद से आए हो?
अस्सलामु अलैकुम। ये बच्चा बहुत ही ताबेदार है और आपका तो गोया आशिक है, शायरी करता है और एक मजमुआ बिल्कुल तैयार है जिसकी आपसे इस्लाह लेना चाहता है, और इसे कुछ दिन अपने पास रख के शेरो शायरी की तरबियत देंगे। वासलाम, आपका दोस्त गयूर अहमद। ये किस किस्म का शौक है आपको मियां? कुछ साइंस सीखो, कोई हुनर सीखो, शायरी तो कोई काम नहीं है, क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हो? वक्त तो मैं अब तक बर्बाद करता रहा हूं, मगर अब तो अपने वक्त को कीमती बनाने यहां आया हूं। आओ नाश्ता तो करो। इन बातों से तुम खुद को तो मुतमईन कर सकते हो, लेकिन अपने आने वाली नस्ल को क्या जवाब दोगे जब वो तुमसे आसाइशों का तकाजा करेंगी? तो क्या उन्हें गजल सुनाकर मुतमईन कर दोगे? आटे दाल का भाव मालूम होगा, कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। मियां, मैं तो तुम्हें हरगिज ये मशवरा नहीं दूंगा। यूं ही तो अपने गालिब साहब 70 साल की उम्र में भी वजीफे के लिए नहीं रोते रहे। काश ये बात हमें पहले पता चल जाती, समझ आ जाती, मगर अब आप लोगों को समझना चाहिए ये आसाइशों का जमाना है। इस बात की क्या जमानत है? जो कुछ मैं अपनी आने वाली नस्ल के लिए जमा करूंगा वो उससे मुतमईन हो जाएंगे? ये तो एक ना खत्म होने वाली रेस है, ये तो बस मुसलसल भागते रहने का नाम है जिसका कोई इख्तिताम नहीं है। मैं इस भाग दौड़ में अपनी जिंदगी की रेस हारना नहीं चाहता, मुझे तो बस तस्कीन चाहिए, रूह की तस्कीन। ठीक है, अगर तुम इतने ही बाजिद हो तो मैं तुम्हें सोचने की मोहलत देता हूं, एक बार फिर सोच लो, उसके बाद भी अगर तुम अपनी बात पर कायम नहीं रहे तो फिर हम दूसरी बात करेंगे। अभी तो नाश्ता करो, आओ। ओ, तो आप यहाँ हैं? जी, नीचे बैठा बैठा उकता गया, टहलते टहलते यहां तक आ गया। खैर, आप मुझे क्यों तलाश कर रही हैं? अरे हम आपको भला क्यों तलाश करने लगे? अब इसमें हम क्या करें अगर बास चीजें बगैर तलाश किए गैर जरूरी तौर पे मिल जाए? क्या बात है, हम सुबह से देख रहे हैं कि आप कुछ परेशान हैं। क्या आपको आपके घर वाले याद आ रहे हैं? घर वालों ने तो खुद ही निकाल दिया था, उनकी याद आने का तो सवाल ही पैदा नहीं। हाँ अलबत्ता लखनवी साहब की बातों ने परेशान कर दिया। क्यों, ऐसा क्या कह दिया अब्बू जी ने आपसे? मैं ये सोचकर यहाँ पर आया था कि रईस लखनवी साहब मेरे शौक से खुश होंगे, मगर अफसोस वो इसे एक फजूल की बात, एक बेकार का काम कहते हैं। वैसे हैरत है, क्या आपको आज से पहले ये बात पता ही नहीं थी?
हम तो कहते हैं कि अब्बू जी ने 100% ठीक कहा है। आप भी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि दुनिया में एक हकीकत दौलत है और ये दौलत की देवी शायरों पे तो कभी मेहरबान नहीं हो सकती। मोहब्बत और हमदर्दी के बगैर इंसान जिंदा रह सकता है लेकिन खाए पिए बगैर नहीं। और साथ में जब झट टपकती है ना तो मोहब्बत से उसका टपकना बंद नहीं किया जा सकता। उसके लिए सीमेंट और बजरी की जरूरत पड़ती है जो पैसों से खरीदी जाती है। रईस लखनवी साहब की बेटी के ख्यालात जानकर मुझे हैरत हो रही है। मगर एक बात मैं आपको बता दूं, आपके ख्यालात ना सिर्फ गलत हैं बल्कि तबाह कुन हैं। जिन जज्बों को आप इतना कमतर तसव्वुर कर रही हैं उनके बगैर जिंदगी गुजारना महज एक ऐसा फर्ज है जो लाजिम कर दिया गया है। खाना पीना और आसाइशों से राहत हासिल करना अगर इंसान का मकसद होता तो इंसान होना कोई कमाल की बात नहीं है। ये चीजें तो हकीर जानवर भी हासिल कर लेते हैं। ठीक कहा आपने, हकीर जानवरों जैसी आसाइशों के साथ जिंदगी गुजारना वाकई कोई कमाल की बात नहीं है। उनसे बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए उनसे ज्यादा आसाइशें होनी जरूरी हैं जो सिर्फ दौलत से खरीदी जा सकती है। आप लखनवी साहब की बेटी हैं, इस बात से मुझे पूरा यकीन है कि आप एक दिन जान जाएंगी कि मोहब्बत दौलत से ज्यादा अहम, उन जज्बों की ज्यादा अहमियत है। नामुमकिन, हम इस बात पे कभी कायल हो ही नहीं सकते। तो फिर लगी शर्त, मैं आपको इस बात के लिए कायल कर दूंगा, ये मेरा दावा है। सोच ले, अगर आप शर्त हार गए तो शायरी छोड़ना होगी। और अगर मैं शर्त जीत गया तो ये बात मैं उसी वक्त बताऊंगा। मंजूर है। अंदर आ सकता हूँ? आओ 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 बेटा। बहुत शुक्रिया। लगता है कुछ फैसला कर लिया है तुमने, फिर क्या सोचा है? मैंने यही सोचा है कि जो सोचकर मैं यहां आया था उस पर अमल किए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। तो गोया ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी। ठीक है, गयूर अहमद ने तुम्हें मेरे पास भेजा है, उसकी सिफारिश है, इसलिए मैं कोई अपना फैसला तुम पे मुसल्लत नहीं करना चाहता। लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं, उनसे मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं। जैसा कि तुम जानते हो कि इस घर में रिहाइश की सहूलतें बहुत मुख्तसर सी हैं, चंद दिन का मेहमान हो उसे तो मैं इस कमरे में ठहरा सकता हूं, लेकिन तुमने चूंकि चंद दिन से ज्यादा यहां रहना है इसलिए तुम्हें ऊपर वाले कमरे में रहना होगा। पर हां, मेरे
माली हालात भी कुछ ज्यादा काबिले सिताश नहीं है कि मैं ज्यादा खर्चा बर्दाश्त कर सकूं। इसलिए यहां रहने के और खाने पीने के अखराजात तुम्हें खुद बर्दाश्त करने होंगे। बस यही मैं तुमसे कहना चाह रहा था। मगर मैं अपने साथ इतने पैसे नहीं लाया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहां कोई काम दिलवा दूंगा, उससे जो तुम्हें आमदनी होगी उससे तुम अपने अखराजात पूरे कर लेना। अगर मैंने इससे पहले कोई काम किया भी नहीं। अगर काम किया नहीं है तो क्या कभी काम करोगे भी नहीं? देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मेरे माली हालात कुछ ठीक नहीं है। अगर तुमने यहां रहना है तो तुम्हें अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करने होंगे। जी, मुझे आपकी हर बात मंजूर। ठीक है, फिर तुम अपना सामान उठाओ और ऊपर कमरे में चले जाओ। और हाँ, मुझे वो अपना मजमुआ तो दिखाओ जिसकी तुमने इस्लाह करवानी है। मैं देखूं तो सही कि तुम्हें कुछ शायरी आती भी है या महज ऐसे शौक है तुम्हारा। जी, जोहरा बेगम, जोहरा बेगम। जी, क्या बात है? आपको एक खुशखबरी सुनाने के लिए दिल बेताब हो रहा है। अच्छा तो सुनाइए, क्या बात है? बैठिए तो सही। वो रियाज अहमद साहब है ना, प्रोफेसर? जी जी। उन्होंने मेहरू के रिश्ते के लिए कहीं बात की थी किसी से। आज जब मैं उनसे मिला तो कहने लगे कि वो मेहरू को देखने के लिए घर आना चाह रहे हैं। बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई है आपने। हाँ, बहुत अच्छा खानदान है, बड़े लोग हैं। अल्लाह ने चाहा तो हमारी मेहरू बेटी के नसीब जाग जाएंगे। एक ही तो बेटी है हमारी, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। पर ये बताइए, वो लोग कब आना चाहते हैं मेहरू को देखने के लिए? आना तो वो जल्दी चाह रहे थे, लेकिन मैंने ही उन्हें मना कर दिया कि मशवरा करके तो फिर बताऊंगा कि कब आना है। कुछ पब्लिशर से अदायगी होनी है, वो हो जाए। बड़े लोग हैं, खाने का भी तो मुनासिब इंतजाम करना पड़ेगा ना। कोई मुशायरा ही आ जाता आजकल। खैर, अल्लाह मालिक है। वो तो आप ठीक कह रहे हैं, बस आप देखिएगा कि इस दफा भी आपके पब्लिशर कहीं टाल ना जाए। वो असल में आपकी भतीजी के रिश्ते की बात चल रही है। एक दो रोज में कुछ लोग उसे देखने आने वाले हैं। शायरों के घरों के हालात से तो आप
बखूबी वाकिफ ही हैं। मैंने सोचा कि आपसे कुछ मदद मांग लूं। अच्छा अच्छा, ये बात है, मैं तो डर ही गया था। अभी तो शायद मैं आपकी कोई खिदमत ना कर सकूं, लेकिन आप जो तारीख शादी की पक्की करें मुझे जरूर बताइएगा, उससे पहले पहले मैं आपकी सारी पेमेंट कर दूंगा। खालिद साहब, थोड़ी बहुत मदद अभी कर देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी थी। लखनवी साहब, आप मेरी मजबूरी को समझें। ये लीजिए, तार पी लीजिए। मुझे नहीं पीनी चाय, और आज के बाद आप के लिए चाय मत बनाइए, ना चाय छोड़ो। आपके चाय ना पीने से हमारे घर के हालात नहीं बदलेंगे। लीजिए। मुझसे नहीं पी जाएगी, बल्कि मेरा कुछ करने को जी नहीं चाह रहा। आप प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़। हमने इतने शौक से आपके लिए चाय बनाई है, पी लीजिए प्लीज प्लीज। वैसे हम आपको एक बात और याद दिला दें, आप शर्त हारने के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। हम जानते हैं कि आप बहुत जल्द मान जाएंगे कि जिंदगी में सबसे अहम चीज दौलत ही है। आपको अभी शर्त ही पड़ी, आप जानती नहीं है कि मैं कितना परेशान हूँ। लेकिन हम तो बिल्कुल परेशान नहीं है। तो फिर आपको मालूम नहीं, आपके रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे और पर आपको ये फिक्र है कि उनकी खातिर तवाज़ो के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो क्या ये फिक्र की बात नहीं है? फिक्र की बात तो है, लेकिन उसके लिए जिसको इन हालात से जिंदगी में पहली मर्तबा गुजरना हो, हम तो इससे भी कठिन हालात का सामना कर चुके हैं। कई बार हमारे घर की बिजली कट गई, फोन तो मुस्तकिल ही कट गया, और तो और अब्बू जी के एक शायर दोस्त की वफात के बाद उनके कफन दफन के लिए भी अब्बू जी को चंदा इकट्ठा करना पड़ा। अब आप ही बताइए, इतने मुश्किल हालात से गुजरने के बाद हम इतनी आसानी से परेशान कैसे हो सकते हैं? हम आपके बारे में ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन बस हमारी इतनी ख्वाहिश है कि आप शायर ना बने। हम नहीं जानते क्यों, लेकिन हम नहीं चाहते कि आपके हालात कभी अब्बू जी की तरह हो। आपको अंदाजा नहीं है आप कितने बड़े और अजीम शायर की बेटी हैं। अजीम? अजीम तो वो उनके लिए है जिनको उनसे सिर्फ शायरी चाहिए, क्योंकि शायरी तो वो दे सकते हैं, लेकिन हमें उनसे सिर्फ शायरी नहीं चाहिए। हमारी जिंदगी में हमारी कुछ ख्वाहिशात हैं, कुछ तमन्नाएं हैं हमारी, शायरी से पूरी नहीं की जा सकती। अब तो अम्मी जी ने बीमार होना भी छोड़ दिया है,
हमें याद है जब अम्मी जी अक्सर बीमार रहा करती थी तो अब्बू जी हमारे हाथ में अपना दीवान थमा देते थे और कहते थे कि जब तक अम्मी जी की तबीयत ठीक ना हो जाए हम उनको उनका दीवान सुनाते रहे। आप जानते हैं ये शायर अपनी बीवी की तमाम उम्र की खिदमत का सिला कैसे देते हैं? अपनी एक किताब का इंतसाब उनके नाम लिखते थे, शरीके हयात के नाम, और समझते हैं कि अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी करती। कभी कभी तो हम सोचते हैं कि अगर अब्बू जी शायर होने की जगह कोई छोटी मोटी सरकारी मुलाजमत करते होते तो हमारे नजदीक ज्यादा अजीम होते। ATV सारे रंग।